दिनांक 5 जनवरी 2021 को हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी, फेयर ट्रेड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन तथा अन्य दस्तकार संगठनों की मांग पर 2031 के मास्टर प्लान पर आर्टिजन्स व एक्सपोर्टर्स के साथ चर्चा हेतु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय सभागार में एमडीए की वाइस चेयरमैन साहिबा के अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जो अगरचे किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंची, लेकिन दस्तकार नेताओं ने अपने अपने प्रस्ताव पूरी शिद्दत के साथ वाइस चेयरमैन एमडीए के समक्ष रख दिए। इस अवसर पर मुख्य रूप से हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट नोमान मंसूरी, एफटीपीपीए के चेयरमैन डॉक्टर सैयद गानिम मियां, दस्तकार नेता हाजी आजम अंसारी, हाफिज हबीबुर रहमान, राशिद अली, वसीम खान, सिकंदर अली आदि के साथ साथ एमएचईए के संरक्षक नजमुल इस्लाम एडवोकेट, महासचिव अवधेश अग्रवाल, शहाब आलम, डीसी इंडस्ट्रीज अनुज कुमार आदि भी उपस्थित रहे। नुमान मंसूरी ने इस अवसर पर मांग की कि जामा मस्जिद से ताजपुर होते हुए काशीपुर रोड को आर्टिजन एरिया घोषित किया जाए तथा रामपुर रोड, दिल्ली लखनऊ बाईपास आदि क्षेत्रों में हस्तशिल्प हाट बनाई जाए। इस बैठक में पूरे लाकड़ी फाजलपुर क्षेत्र को ट्रांसपोर्ट नगर तक इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करने की मांग भी की गई। इसके अतिरिक्त ओडीओपी स्कीम में आर्टिजन क्षेत्र विकसित करने की भी डिमांड की गई। इस बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के मुद्दे पर कोई सहमति न बन पाने के कारण ये बैठक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। तय ये पाया गया कि शीघ्र ही इस संबंध में एक और बैठक होगी। इस अवसर पर लगभग सभी दस्तकार संगठनों तथा निर्यात संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट नोमान मंसूरी ने इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए कहा, वो अपने आप में सक्षम भी हैं, वो इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड भी परचेस कर लेते हैं और कहीं ना कहीं बैंक से फाइनेंस करा के कुछ करके वो फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेते हैं। जो छोटा आर्टिजन है, जो मैनुफैक्चर है, 3 लाख लोग हैं मुरादाबाद में जो कॉटेज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके पास कहीं भी एक तरह से इतना वो नहीं है बजट कि वो अपना कहीं शिफ्ट करें, और शिफ्ट करें तो कहाँ करें। हमें एक लैंड एरिया आपसे चाहिए, लैंड बैंक, जहाँ आर्टिजन के लिए, मैनुफैक्चर के लिए छोटे छोटे प्लॉट 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, जो हम पूरा इंफ्रा नहीं बना सकते, इंफ्रा आपका हो, हमें सिर्फ इतना मालूम कि 100 मीटर का हमारा। सो मे बी इंडस्ट्रीज कैन टेक दिस अप, आप लीजिए गवर्नमेंट से, अगर आपको इसका कोई बजट मिले, सो वी कैन अलॉट दैट एरिया एंड यू कैन बाय इट एंड यू कैन डू प्लॉटिंग। इंडस्ट्रीज करती है इस काम बेसिकली साइड से, व्हाट एवर यू डायरेक्टली टू देम, उद्योग का काम है आप, तो इसके लिए आई एम श्योर इसके लिए बजट रिक्वायर होगा। ओके, सो इफ दे हैव अ डिमांड एंड आप ये बता दें कि कौन से एरिया में वो इम्पोर्टेंट रहेगा, उस एरिया को हम डिमार्केट कर सकते हैं फॉर मास्टर प्लान। ओके, तो हमारा ये एक बात कि जो अभी बात चल रही है मास्टर प्लान में भी, कि कार्ट रोड और देरी रोड डेवलप हो रहा है, वो क्या रहा है कि हमारा जो विकास हो रहा है शहर का, वो पूरी चौतरफा नहीं हो पा रहा। हमारा रामपुर रोड छूटा जा रहा है, हमारे पास वहाँ लैंड भी है, लखीमपुर कटा इंडस्ट्रियल एरिया भी है आपके उसमें 2021 की माल योजना के प्लान में, मगर उधर उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगर हम उस तरफ ध्यान दें थोड़ा, वो जो लखीमपुर कटाई वाला एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया, जो रामपुर रोड है, जो बरेली पॉइंट है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है, मगर वहाँ लैंड भी सस्ती है, मगर वहाँ कोई जाना नहीं चाह रहा, वहाँ आर्टिजन चला जाएगा क्योंकि उसका शहर से कनेक्टिविटी करीब है जामा मस्जिद साइड से, क्योंकि उसके बाद रोड भी है जामा मस्जिद। एक्चुअली क्या है, प्लानिंग के पास जमीन है, प्लानिंग नहीं है कोई जमीन पे, वहाँ प्लानिंग नहीं है। एक आदमी मुझे 500 मीटर जमीन चाहिए, मैं किस किसान से खरीदूं, कैसे करूं, कहाँ नक्शा पास कराने हो, ये सब चीजें हैं जो मैं हमें चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी हमें बनाने चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। दूसरा मैम एक चीज और, एक शाम भाई एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, जो हमारा एक मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पॉल्यूशन वाले कब आ रहे हैं, अपने इंडस्ट्री के जो लगे हुए आर्टिजन के, उनके प्रोडक्ट को, एक उत्पाद को दिखाने के लिए, मार्केटिंग के लिए एक मार्केटिंग सेंटर बनाने की बात हुई। वो काम एमडीए को दे दिया गया, 5.5 करोड़ रुपए ग्रानी नाइट भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय ने दी एमडीए को, इनके आर्टिजन के लिए एक मार्केटिंग सेंटर बना दिया है। उसके लिए एक लोकेशन तय हुई दिल्ली रोड और वहाँ पर शॉप्स अलॉट हुई, लोगों ने अपना पैसा जमा करा, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, आज तक उन्हें ना तो शॉप की पोजीशन मिली। फिर हमारे यहाँ आई थिंक उसमें कितना लोग रहेंगे, 20
उसमें मैम बात ये हुई है कि 4-5 साल पहले डीएम जुवेरबिन सबीर साहब थे और यहाँ डीसी थे, उन लोगों ने वहाँ मौके पर हम लोगों को लेके गए, उन्होंने कहा कि भाई हमने कहा आर्टिजन तो इसको खरीद नहीं सकता 30 लाख की दुकान, अगर उसके बाद 30 लाख रुपए है ना, तो उसमें एक बात हुई थी, सजेशन आया था कि जो बाहर उनका एरिया है जो रोड किनारे, उन्होंने कहा था ये जगह हम छोटे छोटे जैसे गढ़ पे मूले बिकते हैं ऐसे एक छोटे छोटे हम 20-20 मीटर की शॉप्स बना देते हैं, जिससे कि हाईवे वाले जो नैनीताल टूरिज्म है, नैनीताल जा रहा, रामनगर जा रहा है, वो हाईवे से कुछ ना कुछ सामान खरीदता चला जाए। आज की तारीख में क्या होता है, मुरादाबाद एक पीतल नगरी के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, मगर अफसोस तब होता है जब कोई आदमी बॉम्बे से या दिल्ली से कुछ आता है, इस रोड से नैनीताल जा रहा होता है कोई फिल्म एक्टर, और वो चाहे तो मुरादाबाद की इंडस्ट्री में देख लूँ तो उसे नहीं दिखती, क्योंकि उसे मंडी चौक आना है, और मंडी चौक आने के लिए उसे पूरे जाम में फंस जाना। हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए छोटे इंडस्ट्री के जो लोग हैं, हमारे आर्टिजन हैं, छोटे लोग हैं, उनको कोई मार्केटिंग सेंटर ऐसा दिया जाए मार्केटिंग के लिए बाहर रोड का हाईवे किनारे, जहाँ आपकी जमीन पड़ी जैसे होता है अपने गढ़ पे है, कहीं पर भी हम जाते हैं तिलकवा में है एक इंडस्ट्री दिखती है, ऊर्जा में हर जगह में होता, तो वो इस तरह से एक सुंदर सा होगा। बहुत अच्छी बात है, पेठे वाले दिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, हर जगह दिखता है, एक हम लोगों ने वो हार्ट टाइप का कुछ बना दिया जाए, जिससे यहाँ का टूरिज्म भी बढ़े, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले, हमें अपना प्रदर्शन करने का मौका मिले, हमें अपनी कलाकृतियों का, होता क्या है जो एक्सपोर्टर है इनके अपने शोरूम वहाँ अपने उनके बायर होते हैं। अरे अपनी बात करो ना, अपनी बात करो, शोरूम बड़ा अच्छा सजेशन है, तो मैम थोड़ा सा इन चीजों को आप अगर ध्यान देंगे तो कुछ मुरादाबाद के आर्टिजन जो है ना सर 3 लाख उनकी आप कुछ ना कुछ मदद हो। मैम ये मुरादाबाद विरास कारखानेदार एसोसिएशन की ओर से होता है, और मेरा सुझाव ये है क्योंकि अब हमारा जो बाईपास एरिया है डेंटल कॉलेज से लेकर डिलारी होते हुए, अन्य दस्तकारों व निर्यातकों ने भी इस अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। उद्योग में उसमें मीटिंग के उद्योग बंधु की मीटिंग में 5-7 साल से मुद्दा उठ रहा है कि उसमें फैक्ट्री बना दी है, शहर के कारीगरों और मैन्युफैक्चरों को आप इंडस्ट्रियल एरिया जो मैंने रोड बताया है, संबल रोड, पुनरकी रोड, काशीपुर रोड, रामपुर रोड, ये मुरादाबाद की बेसिक बेस आर्टिजन और मैन्युफैक्चर से करीब है, ये अपने घरों में से अपने काम को निकाल कर वहाँ काम ले जाए। आज काम मिल गया आपको, ये काम करो, इंडस्ट्री यार इतना इंडस्ट्रीज वाले इतना डेवलप करते हैं, वो पूरा मथुरा वाले एरिया में भी उन्होंने बहुत काम किया है। आप लैंड जहाँ खरीदना चाहो खरीदो, वहाँ से जाके लगाएंगे। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने का जो वर्क है दैट इज बीइंग डन बाय यूपीएससी। यू राइट टू द डिपार्टमेंट देन ओनली दे गिव इट टू देम ना, यहां पे भी तो ऑपरेट करता है यूपीएससी, इश्यूज नहीं करता है। मैं उसको इनिशिएट करा दूंगा, इश्यूज में सबसे बड़ा ये आता है।